So good morning class, today we will start with topic fertilization, page number 102. तो male body और female body आपने देखा है ना, male body जो होती है वो sperm cells बनाती है, female body होती है वो egg cell बनाती है. जब egg cell और sperm cell दोनों mix किए जाते हैं, mix होते हैं right, तब वो zygote बनता है. क्या बनता है? जाइगोट. यानी कि अब ये जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होके पूरा बेबी बन जाएगा. जब वो पूरा फुल्ली डेवलप हो गया, जैसे आपने देखा था कि आम जो होता है एक छोटा सा छोटी सी केरी के रूप में होता है, छोटी सी केरी बनती है, फिर धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ने लगती है, फिर उसकी साइज बढ़ने लगती है. पहले जब आप खाओगे तो खारी लगेगी, कड़वी लगेगी है ना, फिर थोड़ी बड़ी होगे खाओगे तो खट्टी लगने लगेगी, लेकिन एकदम पक जाएगी है ना, तब वो मीठी हो जाएगी. जब वो पूरी तरह पक गई ना तो पेड़ में से अपने आप गिर जाएगी नीचे, ठीक है. उसी तरह जो एग सेल और स्पर्म सेल मिले थे एक दूसरे से, फिर जाइगोट बना, फिर जाइगोट बड़ा हुआ, डेवलप हुआ पूरी तरह से. जब पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो वो जिस बॉडी में डेवलप हो रहा था उससे वो अलग बाहर आ जाएगा, फिर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेगा खुद की. तब तक वो मम्मी के साथ डिपेंड रहता है, जो मम्मी खाना खाती है वही खाना उसको मिलता है, उसी से वो डेवलप होता है राइट. इसी तरह बोलते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो जब पेट में होता है तो मम्मी को ज़्यादा अच्छा खाना खुराक खिलाया जाता है, तो उसका असर जो है वो अंदर बेबी जो होता है उसको अच्छे से ग्रोथ होता है. नहीं तो मम्मी को ही नहीं मिलेगा खाना ठीक से, तो एम्ब्रियो को क्या देगी. और जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो एकदम कमज़ोर होगा, उसको फिर ऑक्सीजन के ऊपर नए बॉक्स के अंदर भी रखना पड़ता है न्यू बॉर्न को. और हेल्दी होगा तो रोता रोता खेलता रहेगा मम्मी की बाजू में, उसको किसी स्पेशल कंडीशन में नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. तो सबसे पहला पार्ट है दोनों का मिलना, स्पर्म का और ओवम का, एग सेल का. व्हेन स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग. अभी एग सेल तो एक ही होता है, हर महीने एक ही एग सेल बनता है, पता है ना. स्पर्म सेल बहुत सारे होते हैं, ये हमारा फीमेल का बॉडी, ये हमारा मेल का बॉडी. अब फीमेल की बॉडी में एक ही एग सेल बनेगा, ठीक है. इसके अंदर मेल के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स, तो स्पर्म्स जो होते हैं ना वो आपको पता है ना ऐसे होते हैं, एक थ्रेड टेल जैसा स्ट्रक्चर होगा उसका, उसमें आगे दिखाया गया है ना. तो ऐसे बहुत सारे टेल वाले और हेड वाले स्पर्म्स जो है ना मेल बॉडी में से फीमेल बॉडी में जाएंगे राइट. और इनमें से कोई एक ही जो होता है ना, कोई एक ही सेल वो इसके साथ जुड़ जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा. बाकी के स्पर्म्स ये तो ऐसे ही चले जाएंगे कहीं पर भी, कोई एक ही होगा वो एग सेल के साथ ही यूनाइट हो जाएगा, जुड़ जाएगा. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो कोई एक स्पर्म एक ओवन एग के साथ जब वो फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा राइट, तब वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस. अभी आपको पता है ना के सेल जो होते हैं, कोई भी बॉडी के सेल होते हैं हमारे, उसके सेल के अंदर क्या क्या होता है. ओके, ये एक सेल है हमारे पास, तो इसकी एक सेल वॉल होगी, ठीक है. हाँ, वो प्लांट में होती है, लेकिन ये न्यूक्लियस दोनों में होगा, ठीक है. यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है.
ये हमारा हुआ एक सेल की बात करते हैं। अब ये होता है हमारा स्पर्म का सेल, उसके अंदर भी न्यूक्लियस, उसकी बाउंड्री सेल वॉल मान लेते हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म। अब जब ये दोनों जुड़ गए, बाजू बाजू में आ गए, जब दोनों जुड़ गए एक दूसरे से, तो अभी दो सेल हैं वो एक ही सेल में तब्दील हो जाएगा। दो सेल है ना, वो एक ही सेल बनेगा अभी, राइट। यानी कि एक सेल बन गया दोनों में से, लेकिन यहाँ पर तो दो न्यूक्लियस हैं, तो न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, एक ही न्यूक्लियस, आधा इसका दोनों के न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे, एक हो जाएगा न्यूक्लियस भी। तो ये दो सेल जब जुड़ जाएंगे और एक नया सेल बनेगा, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग। अब ये एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो गया। पहले क्या होता था, स्पर्म उसको जब तक मिलता नहीं था तब तक वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता, तो एग क्या होता था, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता था। हर महीने एक नया एग बनेगा, राइट। अगर उसको फर्टिलाइज नहीं किया तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा ब्लड के फॉर्म में, राइट। फिर जब पूरी बॉडी में से एग निकल गया, अब फिर से पहले दिन से एग बनना शुरू होगा, एक महीने तक पूरा रहेगा। अगर उसको फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बनेगा, नहीं किया तो वापस बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। तो ओवरी तो दो होती है ना, एक महीने इसमें से, एक महीने इसमें से, बारी बारी एग सेल निकलते जाते हैं, राइट। तो एक पर्टिकुलर एज, राइट, तब से एग बनना शुरू होते हैं, और जब वो फर्टिलाइज नहीं होते तो वो बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं ब्लड के फॉर्म में। और स्पर्म सेल तो बनते ही रहते हैं हमेशा, महीने में एक नहीं, वो लाखों सेल्स बनते रहते हैं। ये फ़र्क है ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में, ये फ़र्क है। एग सेल महीने में एक ही बार बनेगा, जबकि मेल बॉडी में स्पर्म्स जो है वो बनते ही रहते हैं मिलियंस, बहुत सारे। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father. So, the new individual inherits some characters from mother and some characters from father. अभी zygote बनेगा कब? ये वाला बनेगा कब? Fertilized egg, mother का egg और फादर का स्वर्म दोनों जब मिलेंगे तब बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स फादर के भी आएंगे और कुछ कैरेक्टर्स मदर के भी आएंगे, है ना। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर एंड सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। अभी आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है, तो आपको उसके कैरेक्टर्स, उसको जब ध्यान से गौर से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसकी आँख उसके पप्पा जैसी है, इसके कान इसके मम्मी जैसे हैं, इसका नाक उसके पप्पा जैसा है, इसके दांत इसकी मम्मी जैसे हैं, या तो पूरी की पूरी शक्ल मम्मी जैसी है लेकिन बॉडी हाइट में वो सब उसके पप्पा जैसे हैं, राइट। तो क्योंकि जब देखो गुलाब जामुन है ना, वो किस में से बना? शुगर और मिल्क में से। तो जब आप गुलाब जामुन खाओगे तो आपको मिल्क का भी स्वाद आएगा और शुगर का भी स्वाद आएगा, है ना। अगर शुगर के बगैर बनाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं,
उसके अंदर मिठास है, तो जब भी गुलाब जामुन खाओगे तो दूध और शक्कर दोनों का स्वाद आएगा ना। उसी तरह जो भी हम हैं, हमारी बॉडी है, उसके अंदर कुछ मम्मी के कैरेक्टर्स हैं और कुछ फादर के कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के ही तो हम बने हैं, अकेले से तो बन नहीं सकते किसी से, राइट। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी होता क्या है कि देखो, एग सेल जो है वो तो फीमेल की बॉडी में होता है ना, स्पर्म सेल मेल की बॉडी में होता है। तो अभी एग सेल मेल की बॉडी में तो जा नहीं सकता है ना, लेकिन मेल की बॉडी में से स्पर्म सेल जो है, मेल की बॉडी में से स्पर्म सेल जो है वो फीमेल की बॉडी में जाएंगे, राइट। और वहाँ पर उसको एग मिलेगा और एग और स्पर्म की दोनों की दोस्ती हो जाएगी और वो जाइगोट फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप होगा, है ना। अभी देखो उल्टा होता क्या है, कबूतर जो होता है वो क्या करता है, अंडा दे देता है ना बॉडी के बाहर, फिर अंडा धीरे धीरे ग्रो होता है, अंदर डेवलप होता है, फिर वो अंडा फट जाएगा और अंदर से कबूतर का बच्चा बाहर आएगा, है ना। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और वो अंदर ही डेवलप होने लगता है। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है, डेवलप फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब वो उसकी बॉडी में से बाहर आता है। जबकि कबूतर में तो अंडे में क्या था, अंडा तो पहले ही बाहर आ गया, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा और फिर वो फट के अंदर से बाहर आया, राइट। तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हैंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बहुत से जानवर, भी गाय का बच्चा भी देख लो, पूरी तरह तैयार हो जाएगा फिर ही गाय की बॉडी में से बाहर आएगा। फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है लेकिन उसका हाफ बाहर आके, डेवलपमेंट बाहर होके आता है ना। हैव यू हर्ड ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बेबीज। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं, बूजो एंड पैलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन ए क्लास दैट इन सम वुमन ओविडक्स आर ब्लॉक्ड, दिस वुमन आर अनेबल टू बियर द बेबीज because sperms cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctors collect freshly released eggs and sperms and keep them together for few hours for IVF or in vitro fertilization. अब देखो, female की body जो है ना, उसमें egg cell बनेगा, male की body है उसमें sperm cell बनेगा। अभी स्पर्म सेल जब फीमेल की बॉडी में जाएगा, एग को मिलेगा, दोनों मिलेंगे एग और स्पर्म, और वो फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, फिर वो जाइगोट बनेगा, फिर वो डेवलप होके बेबी बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्पर्म सेल जो है वो फीमेल बॉडी में तो गया लेकिन एग सेल तक पहुँच नहीं पाता है, एग सेल वहीं का वहीं रह जाता है, स्पर्म सेल्स उसके पास पहुंच नहीं पाता है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी का एग सेल ले लेते हैं, निकाल के मेल का भी स्पर्म सेल ले लेते हैं और उन दोनों को, अब देखो ये दोनों को बाहर मिलाते हैं, एग सेल ले लिया, स्पर्म सेल ले लिया और दोनों को मिक्स करके एक ट्यूब में रख देते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो तो बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है ना। तो बॉडी के बाहर हो रहा है इसके मतलब इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। नाउ इन केस फर्टिलाइजेशन ओकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। मैं समझाऊँ तो देखो, आपने अगर कोई पेड़ उगा रखा है ना, और उसके कुछ
सीड्स या कुछ गिर के बाजू में से नया छोटा सा प्लांट उगने लगता है, तो आप क्या करते हो, वो मिट्टी में से रूट के साथ मिट्टी के साथ पूरा उठा लेते हो छोटे से पेड़ को, और बाजू में नया गमला रखा है ना उस गमले में डाल देते हो, है ना। फिर उसको रोज़ पानी इन्हें दोगे तो वो नए गमले में नया प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फीमेल की बॉडी में से एग सेल लिया, मेल की बॉडी में से स्पर्म सेल लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के रख लिया। अब एग सेल और स्पर्म सेल दोनों एक दूसरे से मिल गए यहाँ पर, है ना, जाइगोट बनना शुरू हो गया। अब जैसे ये जाइगोट बन जाएगा ना, तो डॉक्टर उस जाइगोट को उठा के फीमेल की बॉडी में रख देगा अंदर यूट्रस में। अब वो फीमेल की बॉडी में ग्रो होना शुरू हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसको बार ही बार रख दोगे तो नहीं होगा, राइट। कभी कभी क्या होता है अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, कि अगर कोई लेडी मदर बनना चाहती है, माँ बनना चाहती है, लेकिन जनरली क्या होता है, वो पेट में बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो उनको वो तकलीफ़ सहन नहीं करनी है। वो बोलते हैं हमें ये तकलीफ़ सहन नहीं करनी है, राइट, लेकिन मुझे मम्मी तो बनना है, राइट। तो क्या करते हैं, फीमेल का एग सेल ले लेते हैं, पप्पा का स्पर्म सेल ले लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जब वो जाइगोट बन जाएगा, है ना, अब वो जाइगोट को जब तक आप मम्मी की बॉडी में नहीं रखोगे तब तक वो डेवलप नहीं होगा ट्यूब में, है ना। अभी डेवलप हो गया लेकिन वो उस मम्मी की बॉडी में नहीं रखेंगे, दूसरी किसी फीमेल की बॉडी में रख देंगे, अंडरस्टूड। और वो फीमेल की बॉडी में बेबी ग्रो होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा, राइट। अभी उसको नहीं पता है, उस फीमेल को नहीं पता है कि ये किसका जाइगोट है, इसके अंदर किसके मम्मी पापा का सेल आया हुआ, उसको नहीं पता होता है। और जिसने एग सेल दिया उसको भी नहीं पता होता है कि मेरा बेबी कहाँ डेवलप हो रहा है, राइट। वो बॉडी में डाल देंगे दूसरे की बॉडी में और वो पैसे लेते हैं, डेवलप जाइगोट डेवलप करने के पैसे लेते हैं। जब वो बेबी का बॉर्न हो जाएगा तब वो बेबी जिसकी थी उसको दे देते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी से करते हैं लोग, कि भाई आप अभी देखो वो बेबी बना, उसके अंदर कैरेक्टर्स किसके हैं, मम्मी के और पापा के, राइट। तो वो है तो तुम्हारी बेबी, लेकिन आपने उसको जन्म नहीं दिया, जन्म किसी और ने दिया है उसको, राइट। सो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब। बेबी टेस्ट ट्यूब में तो ग्रो नहीं होते हैं, उनका सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है, राइट। फिर तो फर्टिलाइज होने के बाद उसको वापस फीमेल की बॉडी में रखना ही पड़ता है और वहाँ पर वो डेवलप होता है और फिर वो जन्म लेके इस दुनिया में आता है। इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। आज यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, कल आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।